बहुत सुंदर इस भजन पर प्रसन्न होकर के हमारे अमी सारे जी दोनों को कृष्ण जी को भी और उनके इंद्र जी को भी 200-200 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं उत्साह बढ़ाने के लिए। बड़ी लंबी कविता और कितना ही वर्णन करो लेकिन लिखने वाले भी कमाल और बोलने वाले भी कमाल कर दिया। सभी बच्चे एक बार तारतम्य बनाकर बैठेंगे, बोलो भारत माता की। ये गीता चोपड़ा जी भी इस मौके दे रही है हमारे भूपेन्द्र जी को, धन्यवाद। आर्य जगत के उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान और पवित्र गुरुकुल का संचालन कर रहे आदरणीय प्रमोद जी विद्यार्थी, जो मंच का सफल और कुशल संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन गुरुकुल के हितार्थ लगाया है, ये वंदना बहन दे रही है उनका बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अपना सारा जीवन गुरुकुल के लिए समर्पित किया, बच्चों के निर्माण में सारा जीवन लगाया है और आर्य जगत की आन बान और शान है। सामने बैठे हुए आदरणीय आचार्य जी रामस्वरूप जी और सम्माननीय आदरणीय श्री राम कुमार आर्य जी, सामने बैठे हुए समस्त महानुभाव और जो लगभग 50 वर्षों से इस वैदिक धर्म का भजनोपदेश के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, श्रीमान जनर सिंह खारे जी, वो भी हमारी खतौली की पवित्र धरा से हमारे सम्मुख पधारे हैं। गुरुकुल के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, सामने बैठी हुई समस्त मातृशक्ति और बड़े भ्राता जो आर्य समाज मॉडल टाउन से हमारे सम्मुख पधारे हैं, सूर्यदेव वेदांशु जी, और जिनका हमें पुत्रवत प्रेम विद्यालय बचपन से हमारे पिताजी के बहुत परम मित्रों में से आदरणीय कर्मवीर जी आचार्य, जिन्होंने बहुत सुंदर आपके सामने भजन को प्रस्तुत किया है, और मंच पर विराजमान समस्त महानुभाव, क्योंकि मैं उनका सभी का नाम नहीं जानता हूं तो मैं क्षमा चाहूंगा, सामने बैठे हुए समस्त महानुभाव, मैंने आपके सामने ये भजन प्रस्तुत किया है और प्रकाश जी का ये सबसे अच्छा गीत है, और जो प्रकाश जी ने जितना इस गीत को लिखा है मैंने उतना ही आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। कुछ भजनों के साथ इसको थोड़ा कम भी सुना देते हैं तो मैंने इस गीत को पूरा याद करने की एक प्रतिज्ञा ली थी तो उस प्रतिज्ञा को मैंने पूरा किया, लगभग 25 दिन में इस गीत को मैंने याद किया, और वैसे सामान्य गीत मैं एक दो दिन में याद कर लेता हूँ परंतु इस गीत को 25 दिन में किया, और क्योंकि इसमें आलाप ताने वगैरह जो है वो अलग से हमने अपने प्रयास से किया है, क्योंकि थोड़ा सा हमने शास्त्रीय संगीत सीखा है इसीलिए आलाप और तानों का प्रयोग किया है। आपने ये गीत बहुत पसंद किया है और प्रकाश जी ने बड़े पुरुषार्थ से इस गीत को लिखा है। ऋषिवर दयानंद महाराज कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश का जो पहला समुल्लास है, बच्चों सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास का नाम क्या है, जब मेरे साथ बोल देंगे, ईश्वर का मुख्य नाम ओम, बोल दो एक बार मेरे साथ मिलकर, ईश्वर का मुख्य नाम ओम और उसके 100 गुणिक नाम, ये ऋषिवर दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास के अंदर बहुत सुंदर चर्चा की है। सबसे पहले उन्होंने ओम को रखा, जिसने सारी सृष्टि को सारी कायनात को बनाया है उस परमेश्वर का मुख्य नाम क्या है बच्चों, उस परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है।
और ओम किस किस से मिलकर बनता है? अकार, उकार और मकार से मिलकर ओम बनता है। अकार के भी तीन पार्ट्स हैं, उकार के भी तीन पार्ट्स हैं और मकार के भी तीन पार्ट्स हैं। इन तीन पार्ट्सों को मिलाकर तीन तिया नौ, नौ पार्ट्सों को मिलाकर एक समुदाय बनता है जिसका नाम क्या है? ओम है। जब हम सत्यार्थ प्रकाश का पहला समुल्लास पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है, तो इन नौ पार्ट्सों को मिलाकर एक समुदाय बना जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है ओम। और ओम का क्या अर्थ है? ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। एक बार बोल देंगे बच्चे, ओम का क्या अर्थ है? सर्व रक्षक। जो हम सबो की रक्षा करने वाला है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्व रक्षक। ऋषिवर दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास के अंदर ये चर्चा की है। उसके पश्चात गौणिक नामों की चर्चा करते हैं, जैसे इंद्र है, महेश है, विष्णु है, शंभु है, शंकर है, रुद्र है, माँ है, पिता है, परम पिता है, परमेश्वर है, ईश्वर है, जितने भी जो नाम है, शिव है इत्यादि, जितने जो नाम है ये सारे कैसे नाम है बच्चों? ये सारे नाम है गौणिक नाम, जो गुणों के आधार पर नाम लिए जाते हैं, रखे जाते हैं, वो गौणिक नामों के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में उसका नाम विवेक है, टीचर्स उसको विवेक कहते हैं क्योंकि वह बुद्धिमत्ता का कार्य कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि एक बच्चे का नाम बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, स्कूल में बुद्धिमत्ता का कार्य कर रहा है, और वही बच्चा घर जाकर कोई बिगाड़ का कार्य करने लगे, गलत कार्य करने लगे, तो माता पिता या परिवार का कोई सदस्य उसको बिगाड़ा कहने लगे, तो बच्चा तो एक ही है परंतु उसके गुणों के आधार पर उसका उसके नाम परिवर्तित हो गए हैं। इसी प्रकार से उस परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है, बाकी जितने जो नाम है उसके कैसे नाम है बच्चों? गौणिक नाम है। ऋषिवर दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास के अंदर इन सारी बातों की चर्चा की है। गौणिक नाम ऋषि दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास के अंदर बताए हैं, और मुख्य नाम ओम को भी बताया है, और अंत में देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं ऋषि दयानंद महाराज। अंत में कहते हैं कि मैंने ये गौणिक नाम सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास के अंदर दिए हैं, परंतु उस परमेश्वर के तो कैसे नाम बताए हैं बच्चों? उस परमेश्वर के तो असंख्य नाम है। कैसे नाम है? असंख्य नाम है, जिनकी हम गणना और कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऋषि दयानंद महाराज ने हमें कितने कितने अच्छे और सुंदर पुष्प चुनकर दिए हैं, और कहते हैं कि माँ जो बच्चे का निर्माण करती है वो कहां से करती है? गर्भ से करती है। गर्भाधान पुंस्वनम और सीमन तोन्यन संस्कार के आधार पर इतने सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर ऋषि ज्ञान महाराज ने हमें दिए हैं, और बड़ा सुंदर भजन लिखा है, किसी कवि ने सुनेगा ध्यान से। कहने वाले कह जाते हैं, कहने वाले कह जाते हैं, सुनकर सुनने वाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले, सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले। कहने वाले कह जाते हैं,
और कितना सुंदर मर्म प्रस्तुत किया इस गीत के अंदर कवि ने। परमेश्वर राम प्रेमी जो आर्य जगत के उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान मजदूर देशक हुआ करते थे और वो हमारे दादा गुरु हुआ करते थे, क्योंकि तो हमारे पिताजी के वो गुरु हुआ करते थे। तो उन्होंने इस गीत को लिखा है। जो चिंतनशील व्यक्ति हैं, चिंतनशील लोग हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, वो इस गीत को समझ पाएंगे। और बहुत सुंदर ये पंक्ति लिखी है उन्होंने, सुनेंगे ध्यान से, बोलो, बातें नहीं करेंगे बच्चे, भारत माता की तारतम्य बनाकर बैठेंगे, बातें नहीं करेंगे। चट्टा चोट अलफी गले माला, चट्टा चोट अलफी गले माला, मोट मुनाया कंबल काला, स्वर्ग में क्या कुछ होने वाला, स्वर्ग में क्या कुछ होने वाला, भाषण में विवरण दे डाला, करनी कथनी में अंतर है, करनी में अंतर है, तन उजले मन काले सार्थक तब ही है जीवन जो ठाने, सार्थक तब ही है जीवन जो ठाने, करके विचारो विवेक तर्क युक्ति से निखारो, फिर उसको जी वन में धारो, फिर उसको जी वन में धारो, गुणग्राही बन मन को सवारो, निधि ध्यान के श्रवण मनन और निधि ध्यान के, नियमों को अपना ले सार्थक तब ही है जीवन जो ठाने, सार्थक तब ही है जीवन जो डाले, वो कहने वाले 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 कलुषित है जीवन अटपट से, ईर्ष्या द्वेष कलह झंझट से, पाप न छूटे हृदय पट से, क्या फायदा इस तोता रट से,
चिंतन के बिन धार्मिक निषिद्ध, चिंतन के बिन धार्मिक निषिद्ध, अनगिन ग्रंथ पढ़ डाले सार्थक तब ही है जीवन जोगाले, सार्थक तब ही है जीवन होते हैं, अग्नि वायु आदित्य और
गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वह व्यक्ति कहता है स्वामी जी कौन से वेद में क्या क्या विषय आता है। स्वामी जी बड़ी सटीकता के साथ समझाते हुए कहते हैं कि ऋग्वेद में अग्नि देव ज्ञान का भंडार है, यजुर्वेद और अथर्ववेद कर्म कांड और विज्ञान कांड है, और सामवेद में उपासना कांड अर्थात जो संगीत का जो विषय लिया गया है वो कहां से लिया गया है बच्चों? सामवेद से लिया गया है। इस प्रकार से ऋषि ज्ञान महाराज विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। वह व्यक्ति पूछ रहा है स्वामी जी कहते हैं सृष्टि 4,32,00,000 वर्ष चलती है, उसी के अंतर्गत ये चार ऋषि चारों वेदों को गति देते हैं। उस समय सुनने की क्रिया से वेद आगे बढ़े, उस समय लेखन क्रिया नहीं थी। जो लेखन क्रिया में वेद आए वो कहां से आए हैं जी? लेखन क्रिया में वेद आए हैं राजा इक्ष्वाकु के समय में। और ये कहां दिया ऋषि ज्ञान महाराज ने? जो पूना प्रवचन की पुस्तक है, जो 10 पूना प्रवचन है उनमें ऋषि ज्ञान महाराज ने दिया है कि लेखन क्रिया में वेद राजा इक्ष्वाकु के समय में आए। तो ऋषि ज्ञान महाराज इस प्रकार से समझा रहे हैं। समझाते समझाते जब काफी समय हो जाता है, एक व्यक्ति आता है, आकर स्वामी जी से कहता है स्वामी जी मैं आपके लिए कुछ लड्डुओं को बनवा के लाया हूं, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। जब ये बात कही तो स्वामी जी कुछ क्षण चिंतन करते हैं, चिंतन के बाद कहते हैं कि मैं आपके लड्डू को ग्रहण नहीं करूंगा। वह व्यक्ति शांत अवस्था में खड़ा हो जाता है। स्वामी जी फिर प्रवचन करने लगते हैं। जब प्रवचन चलते चलते काफी समय हो जाता है, उस व्यक्ति के मन की तरंगे फिर उठती है। वह फिर कह बैठता है कि स्वामी जी मैं आपके लिए कुछ लड्डू को बनवा के लाया हूं, आप इसको कृपा करके ग्रहण कर लीजिए। स्वामी जी चिंतन के पश्चात कहते हैं कि मैं आपके लड्डू को ग्रहण नहीं करूंगा। जो व्यक्ति उपदेश सुन रहा था उनमें से एक व्यक्ति उठकर कहता है स्वामी जी ये व्यक्ति इतनी निष्ठा से इतनी श्रद्धा से आपके लिए लड्डू को बनवा के लाया है, आप इसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? तो स्वामी जी का कितना सुंदर और सटीक उत्तर है। इस बात से पता लगता है कि ऋषि ज्ञान महाराज कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं थे, बहुत बड़े योगी और दूरदर्शी। ऋषिवर ज्ञान महाराज कहते हैं कि जो ये व्यक्ति मेरे लिए लड्डुओं को बनवा के लाया है, इन लड्डुओं में जहर मिला हुआ है, मुझे मारने की दृष्टि से ये व्यक्ति इन लड्डुओं में जहर मिलवा के लाया है, क्योंकि फिर से अनाचार पाखंड ढोंग पापाचार फिर से बढ़ जाए। वह व्यक्ति कहता है जो बैठा है कि स्वामी जी इसका क्या प्रमाण है कि लड्डुओं में जहर मिला हुआ है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसका प्रमाण है। कि क्या प्रमाण है? कि सामने कुत्ता खड़ा हुआ है, ये लड्डू उस कुत्ते को डालो, वह लड्डू उस कुत्ते को डाले जाते हैं, कुत्ता कुछ समय के पश्चात चिलमिला उठता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। इस घटना से पता लगता है कि ऋषि ज्ञान महाराज बहुत बड़े योगी और दूरदर्शी थे। तो पथिक जी ने उनके जीवन के ऊपर बहुत सुंदर ये गीत लिखा है, आप सभी ने सुना होगा ऋषि देव ज्ञान महाराज के विषय में।